अर्न विद ट्रेड में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको तीन कॉइन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि हार्डली यहाँ मार्केट के अंदर किसी भी वक्त पंप हो सकते हैं। और इसका फुल डिटेल्स मैं आपको पूरा यहीं इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, कैसे कौन से तीन कॉइन है जिसमें हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट एज ए शॉर्ट टर्म के लिए बुक कर सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों आप शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहना। साथ ही साथ मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग में मैंने चार कॉइन्स मैंने बताया थे, जिसमें से तीन कॉइन अच्छा खासा पंप किए और अच्छा खासा अगर आपने वहाँ पे एंट्री लिया होगा तो अच्छा खासा वहाँ से आपने प्रॉफिट भी बनाया होगा। अभी इस वीडियो के अंदर मैं तीन ऐसे कॉइन बताऊंगा और आपको एक मैं लॉन्ग टर्म कॉइन बताऊंगा, टोटल चार कॉइन, जो कि तीन कॉइन में तो आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बना सकते हो बट एक कॉइन में आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी बना सकते हो। तो वीडियो में दोस्तों आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाके सिंपली वहां पे कनेक्ट हो जाइए। मोर देन अपडेट्स में आपको वहां टेलीग्राम के चैनल पे अपने प्रोवाइड करते रहता हूं, जहां से मार्केट के बारे में आपको काफी जानकारी होता है कि किस समय मार्केट क्रेश होने वाला है, कब हमें एक एंट्री अच्छी खासी बनाना चाहिए, कब हमें यहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट करना चाहिए। तो पूरा डिटेल्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहता हूं, तो जाके आप वहां पे जरूर कनेक्ट हो जाइए अगर अभी तक आप मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हो। तो अभी हम वीडियो का यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो मैं चार्ट के ऊपर आ चुका हूं, जहां पे सबसे पहला कॉइन एलआरसी, सबसे पहला कॉइन है एलआरसी। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या इसका बाइंग रेंज है और आने वाले समय में कितना पंप कर सकता है और क्या हमें यहां से एक अच्छा खासा इनकम बन सकता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसके चार्ट फिगर पे लेके चलूंगा, वन डे के चार्ट फिगर पे। अगर आप वन डे के चार्ट फिगर पे देखोगे तो ये कॉइन कुछ काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक मोमेंट्स बना रहा था, लेकिन यहाँ से अचानक में कॉइन यहाँ पे देख सकते हैं आप पंप किया, यहाँ से लगभग $3.2 का हाइप इस कॉइन ने यहाँ पे लगभग अप्रोक्स अगर मैं बात करूँ तो $4 तक का इसने यहाँ पे हाइप मार्केट के अंदर बना दिया। लेकिन वापस से एक ट्रेंड के अंदर आ चुका, जहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने खींचा हूँ, जो ट्रेंड लाइन की मदद से आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने खींचा हूँ, परफेक्ट मार्केट इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, यानी कि इसको ब्रेकआउट मिलेगा, इस पॉइंट के ऊपर इसको मिलने वाला है ब्रेकआउट। अगर मैं वन डे के चार्ट फिगर में बात करूँ तो वन डे से टू डेज के अंदर ये आसानी से यहाँ पे जाके इसको ब्रेकआउट कर देगा। अगर आपको ये कॉइन दोस्तों इस रेंज में अगर मिलता है तो आपको एक एंट्री जरूर लेना चाहिए, 2.20 पकड़ लीजिए। ये रेंज में जैसे ही ये कॉइन आपको मिलता है तो आप इसको पिक कर लेना, और यहां से अगर ये कॉइन जैसे ही अपना पंप स्टार्ट करेगा, मोर देन इसका जो अपडेट रहेगा मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। और उसके बाद अगेंस्ट अगर ये कॉइन यहाँ पे पंप करेगा तो लगभग आप देख सकते हो $3.2, अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है, अगर यहाँ से इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हम देख लेते हैं पिछला इसने जब पंप किया था तो कितना परसेंटेज तक का पंप किया था, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो लगभग इसने 352% तक का यहां पे पंप किया मार्केट में, यानी कि दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा लगभग 200 से लेके 300% तक का हमें ये कॉइन प्रॉफिट दे सकता है। हालांकि फिलहाल के लिए ये कॉइन ने अच्छा खासा मूवमेंट बनाया है और ये रिटर्न बना सकता है मार्केट के अंदर और जबरदस्त हमें यहां से प्रॉफिट दे सकता है। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे कॉइन की तरफ। दोस्तों दूसरा कॉइन है यहाँ पे सुसी कॉइन, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन के अंदर काफ़ी टाइम से ये मोमेंट्स यहाँ पे बना रहा था, जहाँ पे आपको मैं एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कराऊंगा। और अभी हमें ये सुसी कॉइन काफ़ी डीप के अंदर मिल रहा है, जिसका मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर सिग्नल्स दे चुका हूँ, अगर आप नहीं है तो जाके आप वहाँ पर ज्वाइन होकर देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसको एक रजिस्टर मिला, उसके बाद ये मार्केट डंप हुआ, यहाँ तक आया, रिटर्न वापस इसको एक यहाँ पर रजिस्टर फेस करना पड़ा, रिटर्न मार्केट कुछ इस सपोर्ट को आकर टच किया, रिटर्न वापस इसने पंप किया, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच किया और रिटर्न आके ये यहां पे है, यानी कि वापस दोस्तों जब ये पंप करेगा तो ये लगभग आपको यहां तक लगभग $11 से $12 तक वापस जा सकता है। ये अभी 8.88 चल रहा है, $11 से $12 वापस जा सकता है। और अगर यहां से इसको ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा खासा दोस्तों ये पंप करेगा, यानी कि जो भी इसका ऑल टाइम हाई, यानी कि $15 फिर $17 इस तरीके से पंप करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे सुसी कॉइन में भी दोस्तों आप एक एंट्री ले सकते हो, काफी
डिप में अभी इस समय पे ये मिल रहा है। दोस्तों तीसरा कॉइन मेरे नज़र में यहाँ पे सिब कॉइन, जो कि आप ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे ट्रेंड लाइन के अंदर ये ट्रेड काफ़ी टाइम से यहाँ पे कर रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के अंदर कंटिन्यू यहाँ से ये फॉलो होते हुए आ रहा है और यहाँ पे इसको एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है, जो कि सपोर्ट इसका बनता है 4.27, यानी कि 4.2 और 4.3 पे अगर आपको ये सिबा मिलता है तो दोस्तों 100% आप यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो अपना जरूर ऐड कर देना, क्योंकि इसके बाद जब सिबा पंप होगा तो अच्छा खासा यहाँ से दोस्तों ये पंप होने वाला, क्योंकि इसको वन डे का यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाएगा और वन डे के ब्रेकआउट में काफ़ी मोर देन कॉइन्स यहाँ पे पंप होते हैं, यानी कि अगर आपका मेरे हिसाब से इसको ब्रेकआउट मिल सकता है, आपको मैं डेट भी क्लियर कर देता हूँ, लगभग दोस्तों 28 नवंबर के आसपास वनडे के चार्ट के हिसाब से 28 नवंबर के आसपास इसको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। अगर उससे पहले भी अगर ये कॉइन्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ हल्का फुल्का पंप करते हैं तो ज़्यादा टाइम ये पंप नहीं कर पाएंगे, रिटर्न हो सके आपको इस रेंज में मिलेंगे, तो इस रेंज में आप बाय करके इसको होल्ड कर सकते हो। इसके बाद जब ये पंप करेगा तो अच्छा खासा अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने का कोशिश करेगा, बट मेरे हिसाब से सबसे पहले इसको ये रजिस्टर को यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, जो रजिस्टर है 6.27 का, इस रजिस्टर को स्ट्रॉन्गली इसको फेस करना पड़ेगा। अगर इसने यहाँ पे कंट्रोल में अगर इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया तो दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई को बहुत आसानी से ये कॉइन्स तोड़ सकता है। मैंने यहाँ पे आपको 3 कॉइन्स बता दिए, साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और मैं बताऊंगा सेलर कॉइन के ऊपर नजरें बना के रखना, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई को बहुत आसानी से तोड़ सकता है, जिसका मैं प्रॉपर कल मॉर्निंग में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका मैं भेजूंगा कि अगर ये पंप करने वाला रहेगा तो इसका सिग्नल्स मैं आपको भेजूंगा, जहां से आप एक अच्छा खासा एंट्री लेके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अभी हम एक चलते हैं एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपको हॉट बिट के ऊपर मिलने वाला है। तो यहां पे हम आ चुके हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और आप इस कॉइन को यहां पे देख सकते हो जो कि ब्लॉक टोपिया कॉइन का नाम है। अगर रैंक की इसकी बात करो तो 226 यहाँ पे रैंक है। अगर वॉच लिस्ट की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 179,000 लोगों के वॉच लिस्ट में कॉइन है, जो कि इस कॉइन की अगर वैल्यू की बात करें तो काफ़ी डीप में कॉइन अभी आपको यहाँ पे मिल रहा है। 0.1027 पे आपको कॉइन यहाँ पे मिल रहा है। 4% मार्केट के अंदर यहाँ गिरावट है मॉर्निंग से और यहाँ पे BTC एंड इथेरियम दोनों पेयर के अंदर इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे डीप है, यानी कि दोनों रेंज में आपको यहाँ पे काफ़ी मार्केट डीप मिल रहा है। आप चाहे तो करंट मार्केट में भी इसको पिक कर सकते हो और यहाँ पे अगर हम इसका ऑल टाइम हाई के ऊपर चलते हैं तो काफ़ी 0.17 का इसने काफ़ी हाई मार्केट के अंदर नहीं बना पाया, बट अगर ये कॉइन की मैं बात करूँ जब ये कॉइन मार्केट के अंदर आया था तो आप यहाँ पर इसकी प्राइस यहाँ पर देख सकते हो और वन ईयर में कुछ भी मोर देन इसने लॉन्ग टर्म हाई यहाँ पर नहीं बना पाया। अभी ये कॉइन आपको हाल में काफ़ी सस्ते में यहाँ पर मिल रहा है, काफ़ी डीप में मिल रहा है और यहाँ पर अगर इसके हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों इसका पोल का मैटिक का है, पोलगानो का मैटिक का कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं यहां पे, काफी बुलिश है यहां पे इसका मार्केट। और यहां पे अगर मैं बात करूं साइक्लिंग सप्लाई, आई थिंक सो यहां पे 4% का साइक्लिंग सप्लाई यहां पे मार्केट के अंदर हो चुका है। और इसके अंदर मार्केट में अगर हम जाते हैं तो मार्केट में आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको अवेलेबल मिलेगा कूकॉन के ऊपर, Gate.io के ऊपर, OKEX के ऊपर भी आपको अवेलेबल मिलेगा और हो सके कुछ दिन बाद आपको बाइनेंस पे भी मिल सकता है और यहाँ पे हॉटबिट के ऊपर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ से कहीं से भी जाके इस कॉइन्स को बाय कर सकते हो। और अगर इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपने संड कॉइन एंड माना कॉइन को देखा है, आने वाले समय में कुछ समय बाद ये कॉइन्स भी कुछ आपको उसी ट्रेंड में नजर आएगा, यानी कि आप उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन बना सकते हो कि आने वाले समय में आपको इस कॉइन से क्या बेनिफिट मिल सकता है। बट यहां पे इस कॉइन्स के अंदर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर आप बाय करके होल्ड कर लेते हो ये पेशेंस ही आपको ये कॉइन का इनकम देने वाला है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल बना होगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अभी तक कर चुके रहोगे शायद, साथ ही साथ लाइक तो 100% हो चुका रहेगा वीडियो। दोस्तों अभी मिलेंगे हम आपको एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर साथ, और कमेंट बॉक्स में मुझे सबसे पहले आप जाके मैसेज करिए कि अगर आपको कोई भी कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए जिसका फुल डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा और जहां तक मोर देन मैं 4 से 5 कॉइनों को एक साथ में कवर करूंगा, जो भी कॉइन्स आपके नज़र में हैं जो काफ़ी टाइम से पंप नहीं हुए, ऐसे कुछ कॉइन्स मुझे आप लोग शेयर करो जिसके माध्यम से मुझे काफ़ी कुछ इस मार्केट के अंदर जानकारी होगा और मैं उस कॉइन्स के बारे में आपको बहुत कुछ यहाँ पर बता सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अभी हम आपको एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।